तो वो कानून को ही खत्म कर देना चाहते हैं या कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही हो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। और वो लोग जो पहले शराब के धंधे में थे और बड़े माफिया लोग थे, पैसे वाले थे, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे में, इसके पक्ष में, इसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शराब बंदी से बिहार की गरीब जनता, महिला, सबको फायदा हुआ है, यह मेरा पक्ष है। IVTV देखता है इंडिया। सब बोलते हैं, आप बोलिए। हम बोले करते हैं, आप बोलिए। जय सिया राम। सीता जी के साथ राम जी का नाम यह हम लोग सुनते आए हैं सर, यही है हमारा धैर्य। वो धैर्य हमेशा कायम होना चाहिए, उसको हमेशा बना के रखना है। तो कांग्रेस ये नारा देगी जय सियाराम? नहीं, कांग्रेस तो बेरोजगारी का नारा दे रही है भाई। रोजगार लगाओ, रोजगार के सृजन करो, फैक्ट्रियां लगाओ, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, देश का नाम बदनाम हो रहा है, वो है कांग्रेस का सवाल, जो जनता का सवाल। आप सियाराम की एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो हमारे एक भाई साहब ने कहा कि श्रीराम बोलिए। मैंने कहा जय सियाराम बोलिए, क्योंकि वही हम बाप दादा सुनते हैं, तो बाप दादा से जो सुनते हैं उसी पर बात करनी चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, शराबबंदी को लेकर जो पूरा बवाल चल रहा है, महिला शराब बेचे, कहाँ तक ये लग रहा है कारगर? शराबबंदी के पक्ष में मैं हूँ, और तीन पार्टियां जब कांग्रेस हुकूमत में थी और कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री थे जिनके जिनके जमाने में शराबबंदी लगी थी, तो बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं इस देश में जिनके निफाज में और जिसकी अमल में दिक्कतें हुई हैं, जैसे छुआछूत का कानून है, जहेज का कानून है। तो वो लोग जो शराबबंदी के पक्ष में या एन के इन प्रकार अपनी बात कह रहे हैं, तो वो कानून को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं या कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही हो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भ्रष्टाचार है, और वो लोग जो पहले शराब के धंधे में थे और बड़े माफिया लोग थे, पैसे वाले थे, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे में, इसके पक्ष में, इसके खिलाफ खड़े नज़र आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो लोग पहले से शराब के धंधे में बड़े बड़े पैसे वाले मलवस थे, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, उन पर चीज़ें की जाएं। तो आप इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में बात कर सकते हैं, लेकिन शराबबंदी से बिहार की गरीब जनता, महिला, सबको फ़ायदा हुआ है, यह मेरा पक्ष है। सरकार एक कानून के नफाज में, उसके अमल में उसका कोई दखल नहीं हो पा रहा है, ये तो उस कानून की दिक्कत नहीं है, उस कानून को तोड़ने वाले की दिक्कत है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा तंत्र जो काम कर रहा है उसके ऊपर लगाम लगाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी कानून को ही ख़त्म कर दिया जाए।